क्या बात है, आज आपके बालों से और बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम नैना हैं। ओह सॉरी, मैंने माही समझ के तुम्हें पकड़ लिया, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, आपका इतना हक तो हम पे बनता है ना, हम आपकी साली हैं। भाई मार्केट में कोई माल नहीं आ रहा यार। अरे हमें किसी माल से क्या लेना देना, हमें तो हमारे माल से लेना देना है। ये वाली? अरे ये वाली देख, आ गई नहीं। ए भैया बोलिए, ये सूट कितने का है? 150 रुपए का। एक गोरी पहना जींस सूट सलवार, जवानी फटकर बाहर आवत बा। क्या बदतमीजी है, जाके ये सूट सलवार अपनी माँ बहन को पहना, उनकी भी जवानी फूट के बाहर आ रही है। अरे लेकिन नैना जी, हमारी माँ बहन सूट सलवार थोड़ी ना पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं। बेशरम। अरे सुनो तो, अरे हम दिलवा देंगे सूट, अरे पैसे ले लो। अरे सुनो। हमारी नैना रानी नाराज हो गई है, मनाना पड़ेगा। ए चाय पिला बे जल्दी। अरे नैना बिटिया। हाँ चाचा जी। इतनी देर कर दी मार्केट से आने के लिए? अरे चाचा जी, वो मार्केट में हमें पप्पू मिल गया था, हरामी छेड़ रहा था हमको। आजकल के लड़के इतने बदतमीज हो गए हैं कि पता नहीं क्या होगा इस देश का। अरे चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे बदतमीजों को तमीज सिखाना हमें अच्छे तरीके से आता है। अगली बार अगर उसने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की ना, तो हम सैंडल से उसकी कुटाई कर देंगे। बेटी। अच्छा अब हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। कोई शरीफ लड़का मिले बड़े दामाद जैसा, तो तुम्हारा भी विवाह करवा दूं। तो चाचा जी हमारा ब्याह जीजाजी से ही करवा दीजिए। भक्त पागल, जब देखो मजाक करती रहती है। जाओ चाय लेकर आओ। अभी लाए चाचा जी। अरे नैना जी, आप और हमारी कुटिया में, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं पप्पू, ये सपना नहीं हकीकत है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ करने क्या आई हैं? अपने प्यार का इजहार करने आए हैं। प्यार का इजहार? हाँ, वो कहा है ना कि आज मार्केट में जिस तरह से तुमने हमको छेड़ा, तुम्हारे उसी स्टाइल से हमको तुमसे प्यार हो गया, तो आज हम तुम्हें अपने प्यार का तोहफा देने आए हैं। तोहफा? हाँ। तोहफे में कहीं आप हमें थप्पड़ तो नहीं मारिएगा? नहीं, हम तुमको प्यार से एक चुम्मा देंगे। क्या बात कर रही हैं? हाँ, पहले अपनी आंखें बंद करो। ए प्रभु, ये तो सपना था, ये नैना ने तो हमारा चैना लूट लिया। जब तक हम इसकी इज्जत नहीं लूटेंगे ना, हमें चैन नहीं आएगा। चैन कुछ तो लगाओ जुगाड़, पूरी इज्जत लूटते हैं।
जीजा जी आ गए। नमस्ते। पैर छुए। दीदी कैसी हो? बस बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठिए, आ जाओ। और चाचा जी? और बताओ? और बताओ, बस बढ़िया। आप सुनाइए। बस चाचा जी, पापा जी की तबीयत खराब होने की वजह से उनका सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ। बस बस उसी वजह से यहाँ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ नहीं। बिजी इतने हो गए कि अब क्या बताऊँ आपको। लीजिए जीजा जी, नाश्ता करिए। अरे साली साहिबा, पहले नहा लेते उसके बाद ही नाश्ता कर लेते। अरे अरे, पहले आप नाश्ता कर लीजिए उसके बाद नहा लीजिएगा। वैसे भी आप बहुत पतले हो गए हो। अरे फिट तो है ना? आप कितने फिट हैं वो तो हमें माही दीदी ही बता देगी। बहुत नॉटी हो गई हमारी साली साहिबा। आप खाइए, चलिए चाचा। चलो खाओ, लीजिए। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत खिली खिली नजर आ रही हैं। लगता है जीजा जी जवानी का डोज आपको भरपूर दे रहे हैं। अरे भगवान, इसमें जवानी का दोष क्या? तेरे जीजा जी तो हर रोज मुझे जवानी का इंजेक्शन लगाते हैं। बात तो एक ही है ना दीदी। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता शादी कब कर रही है? अरे दीदी मैं तो अभी बच्ची हूँ ना। क्या खाक बच्ची है? ये नींबू कब संतरा बन गए पता ही नहीं चला। अब इससे पहले कि ये पपीता बन जाए तो शादी कर ले। क्या दीदी, आप ना जीजू के साथ रह के बहुत बेशरम हो गई हैं। इसमें बेशर्म वाली कौन सी बात है? अच्छा ये सब छोड़, आज ही मैं तेरे चाचा जी से शादी की बात करती हूँ। हाँ हाँ कर लेना शादी की बात, लेकिन पहले मैं आपको आपकी सहेली रिया के पास लेके चलती हूँ। वो यहीं आई है अपने पति के साथ रहने। अच्छा हाँ ठीक है। वैसे बहुत दिन हो गए हैं, माता रानी के दर्शन भी नहीं की। रास्ते में माता रानी के मंदिर है, दर्शन कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है, है। क्या बात है, आज आपके बालों से और बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम नैना हैं। ओह सॉरी, मैंने माही समझ के तुम्हें पकड़ लिया। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, आपका इतना हक तो हम पे बनता है ना, हम आपकी साली हैं। हाँ, कल मैंने पापा जी को फोन किया था, अब वो थोड़े से बेहतर। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हम दोनों मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, और हम वहाँ कुछ अपनी सहेलियों से भी मिल लेंगे। ठीक है संभल कर जाना, और हाँ वो रात होने से पहले जल्दी घर लौट आना। ठीक है ठीक है ठीक। जी चाचा जी। वैसे नैना, मैं माता रानी के दर्शन करके पता नहीं मुझे अंदर से अजीब सा होने लगता है। वो तो है दीदी, चलो रिया के घर चलते हैं। हाँ चलो। कपड़े पहनो, जल्दी पहनो। रिया क्या कर रही हो, खोलो। हाँ आ रही हूँ, रुको। खोलो बाबा। पता नहीं कौन आ गया। साला पूरा मेरा मूड ही खराब कर दिया। ये अपना सारा सामान लो, निकलो। नैना माही, तुम दोनों? हाँ हम दोनों। अब तू ये बता कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे दीदी ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ ना, वो गांव का टपोरी लड़का हैरी है। ये टपोरी यहाँ क्या कर रहा था? सब बताती हूँ, पहले अंदर आओ बैठो। चलो
बैठो। अब बता ये कौन है? तुम दोनों को तो पता है मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरे पति से तो कुछ होता ही नहीं, 2-3 मिनट में उनका ढीला हो जाता है, और तो और काम के चक्कर में अक्सर बाहर रुकते हैं। तो इसका मतलब तू किसी के साथ भी अपने शरीर की प्यास बुझा लेगी? देख माही, जिस तरह से पेट की भूख होती है उसी तरह से शरीर की भी भूख होती है। इंसान पेट की भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीर का भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, मैं तेरे भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों बहुत दिनों बाद आए हो मेरे घर पे, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय हम बाद में पी लेंगे, पहले थोड़ी देर बैठ, हम बातें करते हैं। वैसे माही, तेरी शादीशुदा लाइफ कैसे चल रही है? मैं तो बहुत मजे में हूँ, तेरे जीजू मुझे एक रात के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यार तू बहुत लकी है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय चढ़ा कर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। यार कितनी चंट है। छोड़ो ना दीदी, हमें क्या करना है? अरे रिया, चाय बन गई? हाँ बस आई 2 मिनट। पता चला किसी ख्यालों में खो गई हो।